महाराष्ट्र के नासिक से एक बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। यहाँ पर बस में आग लगने से 12 लोग जिंदा जल गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू तो पा लिया है, अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा हादसा हो गया। आज सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच यह हादसा होने की बात सामने आई है। यहाँ एक बस में चिंतामणि कंपनी की एक बस है, प्राइवेट ऑपरेटर की, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। आपको बता दें, आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जाना, उसकी जांच की जा रही है। जो जानकारी मिली है ये आपको बता दें, औरंगाबाद के बाद हादसा हुआ। तो जानकारी मिली है, चिंतामणि कंपनी की बस है, जिसमें यवतमाल से बस मुंबई की तरफ जा रही थी और हादसा सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच हुआ है। जब बस औरंगाबाद के कैलाश नगर के क्षेत्र के पास पहुंची थी, तब उसमें अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त यात्री सो रहे थे, इस वजह से जानमाल का ज्यादा नुकसान हुआ है।